ना कर पाओ, पर हम तो एक्सेप्ट किए हैं। लेस्टर में रहने वाले हमारे एक प्रिय शिष्य, जिनको हनुमान जी की स्वरूप ही कहा जाए तो अतिशोक्ति नहीं है, ये जो बैठे हैं इनके, इन्होंने हनुमान जी का इतना मंथन किया, इतना मंथन किया, इतना हनुमान जी का ध्यान किया कि इनके शरीर पर हनुमान जी जैसी ही हालत हो जाती है। हम पिछली बार इनके घर पर भी गए, सबको दर्शन कराओ जरा कैमरा से, सबको दर्शन कराओ। ये वहीं रहते हैं, लेस्टर में रहते हैं, और ये भी खूब जो है हमारे बड़े प्यारे पागल हैं, बहुत प्यारे ये पागल हैं, और ये आज से नहीं अनेक सालों से यहाँ रह रहे हैं, और ये ऐसी हरकतें अकेले में भी करते रहते हैं बंद कमरे में। इनका पूरा परिवार परेशान था, हमको बताया, हमसे हमारे पास आए कि महाराज जी आप आए हो, ये क्या हाल है। हमका ये आपको हम बताएंगे अभी नहीं, फिर हम इनके घर पर भी गए, और ये लेस्टर में ही रहते हैं, इंग्लैंड की धरती पर ही रहते हैं। आपको हम ये बात कोई प्रदर्शन करने के लिए नहीं बता रहे हैं, ये बात सिर्फ इसलिए बता रहे हैं कि जिस देश में रह रहे हो उस देश में भी हनुमान जी के भक्त रहते हैं। अब तुम भी इस बात पर गांठ बांध लो, तुम भी इस बात पर जोर दो कि आज से कैसे भी किसी भी हालत में किसी भी परिस्थिति में आप सनातनीय संस्कृति को मत छोड़ना। किसी भी परिस्थिति में मत छोड़ना, बैठ जाओ, विराज जाओ, जाओ हनुमान जी बैठ जाओ। इनकी ये हालत अकेले में भी रहती है, ये बंदरों जैसी हालत करते रहते हैं, बंदरों जैसा खाना पीना, खाते भी बंदरों जैसा है, और कई बार बंदरों जैसी बोलने में भी लगते हैं। इनकी पत्नी इनके बच्चे खूब रोए, कहा महाराज जी आप हमारे पास आओ, हमने कहा हम आएंगे, जाओ बैठ जाओ। हम गए भी, अभी तुरंत जैसे ही हम गाड़ी से उतरे तुरंत गले लग गए, तुरंत गले लग गए, जैसे हजारों सालों के बिछड़े हों। बहुत प्यारे हैं, हमने कोई प्रचार एडवर्टाइजमेंट के लिए नहीं ये बात बोली है, और हम ये भी बोलेंगे कोई श्रद्धा अपने हिसाब से रखना, आप श्रद्धा अथवा विश्वास अपने हिसाब से रखना, अपनी बुद्धि बल पर रखना, हमारे कहने पर मत रखना। हम यही कहेंगे तुम्हें हमसे जुड़ने की आवश्यकता क्या नहीं है, हमसे जुड़ने की आवश्यकता नहीं है, बागेश्वर बालाजी से जुड़ने की आवश्यकता है। इसलिए आप सब आज एक बात गांठ बांध लो, आज दरबार के बाद हमारा प्रण है। ये कैसा उपाय है संकल्प करने का, कैसा विचार है हमारा, जवाब दो ना, कौन कौन सहमत है, पक्का सहमत हो ना, सहमत हो ना, ठीक है। दरबार के बाद देखते हैं दम कितना बाजू है। रोइए मत, माइक लीजिए, माइक लीजिए, बहुत गंभीरता के साथ। कहाँ से हैं आप? मैं यहाँ से हूँ, लंदन से। आप तो हिंदी समझ सकते हैं बराबर? थोड़ी बहुत। हाँ, नजदीक आ जाओ ताकि प्रचार पढ़ सको। बोलो क्या बात है? ये माइक बंद कर। हाँ, पता नहीं मेरे पापा के साइड में एक के और एक बात आफत आ रही है। पहले काकी का खून हो गया, फिर बच्चे का भी हो गया, फिर मम्मी पास हो गए, मम्मी भी गुजर गए, फिर भाई भी कितने हो गए। कोई नहीं, और अभी इंडिया है, अफ्रीका से चले गए, अफ्रीका में थे पहले, अफ्रीका रहते थे। हाँ, अफ्रीका में। अब इंडिया चले गए क्योंकि भाई का कितने हो गया, फिर छोड़ दिया अफ्रीका, फिर चले गए परदेश इंडिया। अब उसको इधर आना है, इधर से सेटल है या किसी और जगह पे सेटल होना है। कोई नहीं, और कोई बात? एक और आपकी लिखी है, हमने इसमें टोटल पांच बातें लिखी हैं। आप माइक में हाँ या ना बोल सकते हो जी। आपने सिर्फ हमें एक चर्चा बताई, हमने पांच चर्चाएं आपकी लिखी। पहले नंबर पर लिखा है पूरा घर बर्बाद हो गया,
माइक नजदीक रखिएगा जी। आपका पूरा घर बर्बाद हो गया, अकाल मृत्यु 6 लगातार पूरे परिवार में हुई है जी। यस यस, अकाल मौत आपके घर पर 6 लगातार हुई है। तंत्र विद्या के कारण अकाल मृत्यु हुई है व आर्थिक तंगी बनी हुई है, काम बंद हो गए, दुश्मन लगातार बन रहे हैं। दुश्मन यानी शत्रु जी। आप भाषा समझते जा रहे हैं, जहां गलत बोले तुरंत टोकिएगा। दुश्मन लगातार बनते जा रहे हैं। वर्तमान में पिताजी का स्ट्रेस है, पिताजी को स्ट्रेस है, तनाव में है, बहुत डिप्रेशन में चल रहे हैं, स्थायित्व नहीं बन पा रहा है। वह कारोबार जमाना चाहते हैं तो कहां पर जमाएं, क्या करें, कहां रहें, यह अर्जी लेकर के आप दरबार में आए हुए हैं। उनको आप बुला लीजिए, भारत में भी वो सफल नहीं हो पाएंगे, वहाँ भी उनको डिप्रेशन बन रहा है और वहाँ भी लोग ताने दे रहे हैं, लोग पीछे लग रहे हैं, वहाँ वो अकेले पड़ रहे हैं, जिस कारण से कोई वहाँ है नहीं है तो वो ऊटपटांग बातें बोल रहे हैं। इसलिए आप उनको यहीं लंदन बुला लीजिए, यहीं जीवन उनका ठीक रहेगा, कोई उपद्रव नहीं होगा, आगे अकाल मृत्यु नहीं होगी। जो आपका शक है, संदेह है, वो सत्य है। तंत्र विद्या के कारण ही 2001 में से तंत्र विद्या की गई, तब से ही लगातार मृत्यु का सिलसिला शुरू हुआ, जो कट जाएगा। आशीर्वाद है।